आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है, और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन ना मरकज़ की हुकूमत तैयार है ना बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज़्यादा दूर चले गए। मुझे बीजेपी से इसका ज़्यादा गिला है नहीं, सियासी पार्टी हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, व्हाट आर द फैक्टर्स? क्योंकि हमें जो लगता है, देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है,